खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अफ्रीकन स्वाइन फ्लू में मृत सुअरों के पालकों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया है। उग्र महिलाओं ने शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर चेंबर के दरवाजे में बैठ गई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू में पूरे जिले के हजारों सुअरों को इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतारा गया था। उस समय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब मुआवजा न मिलने के चलते बसोर परिवार भूखे मरने की कगार पर जहां पहुंच गया है। वहीं महिलाओं ने बताया कि उनके घरों में बेटी बेटों की शादियां नहीं हो रही, जो बच्चे हुए हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा। लोगों ने बताया कि उनके यहाँ सुअर न होने के कारण दूसरे जिले के बिरादर के लोग शादी ब्याह तक नहीं कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आंदोलनकारियों ने क्या कहा है, साथ ही प्रशासन पर क्या आरोप लगाया है और पूरे मामले को लेकर तहसीलदार ने क्या कहा है। हालांकि बताया जाता है कि जिनके पशुपालकों के जानवरों को इंजेक्शन दिया गया था, उनके पशुपालकों को मुआवजा दिया जा चुका है। कुछ और लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके पशुओं की भी मौत हुई है। प्रशासन ने जांच कराकर उन्हें उचित मुआवजा देने की बात कही है। तो कलेक्टर गेट के सामने बैठे हैं, प्रासी बोले हैं आएंगे, वो सुनेंगे, सबका सुनेंगे। ये कौन बोला कि आएंगे? वहाँ के अंदर के मालिक बोले हैं। ये कलेक्टर के अंदर जो सफेद वर्दी पहने थे वही बोले हैं कि बैठो गेट के पास। सारा पागलों की तरह आ रहे जा रहे, कोई सुन नहीं रहा ना, कुछ हो रहा है, परेशान है सबके साथ। क्या यही बस काम है आज की महंगाई में? ना तो दाल मिल रहा खरीद। आप लोगों की हर लोग अलग अलग बता रहे हैं, तो हमें क्या होगा तो आप वो बता दीजिए कि कितने कितने का आपका है पैसा। तो ऐसा तो है नहीं, तो हमने ये कहा था कि फिर हम चूँकि पशु चिकित्सा विभाग का मामला तो हम तो पशु जो विभाग वाले हैं हम उनको भेज करके उसका एक बार सर्वे करा लेंगे। हम यही कह रहे हैं, तो अब फिर आप लोग छोटे नंबर आके लाते हैं फिर लेके आए नहीं है। तो आपने नई सूची करा के दे दीजिए तो हम शहर का कराने के लिए आप हमको दे दीजिए भाई। दीवा शहर का इतना है 40 रुपया हमको बताना पड़ेगा ना, आप ना बताओगे कहाँ करा। सब नंबर देने लगे सब नंबर सबको तो नंबर सब ले लगे सबका नंबर सही है। जानवर तो मरवा दिए थे ना आप लोगों के जब बीमारी फैली थी? मारिए उनकी जवाबदारी हम लेते हैं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, एक रुपए नहीं मिला। अब कैसे चल रहा है परिवार भरण पोषण, कैसे खाना पीना कैसे चल रहा है आप लोगों का? जानवर ही मर गए, अब कैसे चल रहा होगा सब? मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा सर। इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आया, कोई अधिकारी? धरना प्रदर्शन कोई आया है? एक महीना 3 दिन हो गया, कोई अधिकारी नहीं गए सर, कोई कोई नहीं, डॉक्टर साहब भी नहीं गए, कोई मुख्यमंत्री बस कलेक्टर साहब आशा दिए हैं कि मिलेगा तो कब मिलेगा, जब हम लोगों की जान चल जाएगी। जब नेता आते हैं, मुख्यमंत्री भी आए थे, खाना खाने जाया करते हैं आप लोगों के यहाँ? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाता, क्यों हमारी मुसीबत कोई नहीं पूछा कि आप किस मुसीबत से बैठे हो, किस मुसीबत से पड़े हो, क्या तकलीफ है, ये कोई नहीं पूछी।
हम लोग अपने से पड़े हैं साहब, 20,000 बनाई पड़े हैं ऐसे जानवर, हमारे शादी करते ब्याह करते फिर उसको बेच के जब बड़े बड़े होते तो कर्ज देते, हमारे लोग के सुअर नहीं होती, सुअर नहीं मारते तो बारात लौट जाती है, हमारे लोग में शादी ब्याह फिर नहीं, अगर सुअर नहीं है तो नहीं, एक भी नहीं है, किसी की नहीं है तो शादी ब्याह नहीं होगा, नहीं होगा, वही जानवर सर, हमसे कलेक्टर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कैसे देंगे सर, बहुत गरीब अब लोग गुजर गए, जैसे किसान की खेती गुजरती है ना, हमारी बात इसलिए तरह हम लोग भी गुजर गए, सरकार हमारी नहीं सुनेगी ये साइड, हम कहाँ जाएंगे, हम लोग तो मर जाएंगे, तो क्या नहीं होता है, नहीं होती बारात लौट जाती सर, अगर आप घर में सुअर नहीं है, नहीं है तो जो अभी बीमारी फैली और मरवा दिया गया तो शादियाँ नहीं होगी, नहीं सर, तो शादी भी नहीं होगा, मतलब लड़के लड़कियाँ सर, लड़का पैदा हुआ तो लड़का बाहर नहीं निकलेगा, अगर सुअर नहीं है तो चाहे जब तक सुअर ना, हम लोगों को नहीं है तो अब समझ लीजिए कि जैसे खेत में उत्पादन होता है ना, अगर किसान खेत में ना करेंगे तो वो नहीं करेंगे, घर में सुअर नहीं होगा, अगर बारात के लिए अलग होता है, दुल्हन प्रवेश के लिए अलग होता है, भाई हमारी कमाई वही है, मेरी विनती एक है आपसे, जैसे किसान की खेती उजड़ जाती है तो उसको मुआवजा सरकार देती है, ये हमारे लोग की खेती है, इसी में जीते हैं, इसी में मरते हैं सुअर से, हम लोग की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग की इकाई के द्वारा के माध्यम से बसोर समाज की महिलाओं के द्वारा एक ज्ञापन या पत्र यहाँ पर कलेक्टर महोदय के नाम पर प्रस्तुत किया गया है, ज्ञापन जो है वो 5 बिंदुओं पर दिया गया है, और आप जैसे पता है आप लोगों को पिछले कुछ समय पूर्व सुअरों में एक संक्रामक बीमारी फैली हुई थी, जिसको लेकर के कई सुअरों की किलिंग भी की गई थी, उसी को लेकर के बसोर समाज की मांग ये है कि कुछ जो सुअर उनके अलग से पले हुए थे या जो उनके पास थे उनकी भी मृत्यु हुई है, चाहे किसी भी कारण से हुई है, वो उसी के संबंध में अपना मुआवजा मांग रहे हैं, प्रति सुअर वो 10,000 रुपए की इस ज्ञापन पत्र में उन्होंने मांग की है कि हमें अतिरिक्त रूप से दिया जाए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो गई है। ये सही बात है सर कि प्रशासन ने उस समय सुअरों को मारने का निर्देश भी दिया था, बताया जाए तो आज बेरोजगार हो रहे हैं, कई समस्याएं आपसे बताई, फिर क्या दिक्कतें आ रही है, शासन स्तर से जो भी निर्देश हमें प्राप्त थे उस संक्रामक बीमारी को लेकर के, उस बीमारी को लेकर के सुअरों की चिन्हित किया जाता था और सुअरों को दवाई के माध्यम से उनको किलिंग उनकी की जा रही थी लगातार ऊपर, और वो जो थे उनको मुआवजा भी वहाँ पर विधिवत रूप से दिया भी गया है, अब ये समाज की अलग से मांग है उनकी कि हमको उन मुआवजे के अतिरिक्त अन्य मुआवजा चाहिए जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने पाले हुए थे सुअर, उसके संबंध में चाहिए।